नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम भगवंत मान ने कहा कि मैंने न्योता दिया है कि पंजाब में कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के प्रधान आए और मीडिया के सामने एक मंच पर पंजाब के हर मुद्दे पर 1 नवम्बर यानी पंजाब दिवस के दिन डिबेट करें। न्योता दिए, आप चैलेंज बोल रहे हो, मैं न्योता कहूंगा कि जी जो पंजाब में बीजेपी के प्रधान हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रधान हैं, पंजाब में अकाली दल के प्रधान हैं, हर रोज कोई ना किसी न किसी बात पे वो बोलते रहते हैं। मैंने कहा भी क्यों नहीं छोटी छोटी जो हर रोज शिकायतें शिकवे हैं इनको एक मंच पे बैठकर मीडिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करके पूरे पंजाबियों को पता चले हम 1 नवंबर को, के पंजाब डे है, 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा से लागू हुआ था, पंजाब डे है, उस दिन से हिसाब करते हैं सारा कि किसको मौका मिला पंजाब की सेवा करने का, लेकिन सेवा नहीं उसने लूट की, किसानी, जवानी, व्यापार, दुकानदार, गुरु की बानी, नहरों का पानी, इन सब टॉपिक पर हम लाइव डिबेट करते हैं। मैंने 1 नवंबर का दिन रखा है, किसी कॉमन प्लेस पर, किसी थिएटर में मीडिया आ जाएगा और देश में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहा है उनको। अदरवाइज विपक्ष कहता है जी हमारे साथ डिबेट करो, मैं कहता हूं जी आइए डिबेट करिए। और उनको मैंने 20-25 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किस पार्टी में था आजकल किसी और में है, तो थोड़ा उनको डाउनलोड होने में। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, एक बड़ा चैलेंज दिया गया है सीएम भगवंत मान की ओर से सभी विपक्ष को, तो इसके क्या मायने हैं? तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भगवंत मान की ओर से खुला चैलेंज जो है विपक्षियों को दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि 1 नवंबर को सभी जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक मंच पर आए और 1 नवंबर को खुलकर मुझसे जो है बातचीत करें, और वो उनकी ओर से खुला चैलेंज दिया गया है कि मैं हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पंजाब में सियासत गरमाती जा रही है और इसी बीच जो है सीएम भगवंत मान का ये बयान जो है वो इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें आपको बताते चले कि विपक्ष को सीएम भगवंत मान की ओर से खुला चैलेंज दिया गया है, जिसमें आगामी 1 नवंबर को उनकी ओर से एक डिबेट चैलेंज जो है वो विपक्षी दलों के साथ करने की बात कही गई है। वहीं आप देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस बयान को आखिर किस तरीके से लेता है और क्या कुछ जो है आगे आगामी दिनों में क्या कुछ विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाती है या फिर नहीं, इन सब पर जो है नजर लगातार बनी रहेंगी। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस बार जो है पंजाब में सीएम भगवंत मान की ओर से खुले मंच पर आने के लिए विपक्षियों को न्योता दिया गया है, जिसमें आपको बताते चले कि आगामी 1 नवंबर को सीएम भगवंत मान की ओर से कहा गया है कि सभी विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आए और सवाल जवाब करें और डिबेट करें, जिसमें कि मैं पूरे तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीएम भगवंत मान की ओर से विपक्षियों को एक खुला चैलेंज दिया गया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष जो है इस बयान को किस तरीके से लेता है। पंजाबियों को पता चले, तो लगातार जो है हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश छाबड़ा बने हुए हैं। राकेश, तो किस तरीके से जो सीएम की ओर से विपक्षी दलों को खुली चुनौती दी गई है, तो इसके लेकर क्या कुछ जो है आगे विपक्ष की ओर से कुछ देखा जा सकता है, क्या प्रतिक्रिया आ सकती है? जी नितिका, जैसे कि भगवंत मान जी बीते कल गए थे दिल्ली से मिलने के लिए, गए थे क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था संजय सिंह को, तो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी पंजाब के विपक्षी दल है, चाहे वो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हैं, चाहे वो राजा भड़िंग है कांग्रेस के प्रधान है,
चाहे प्रताप सिंह बादल जितने भी विरोधी दल है वो वहां पे पहुंच सकते हैं और आके 1 तारीख को पंजाब डे है वहां पे वो हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं पंजाब में जितने भी मुद्दे, क्योंकि पिछले दिनों में राजनीति जितनी गर्म रही है उसको देखते हुए ये इतिहास में पहली बार होगा कि ये जो डिबेट एक ऐतिहासिक डिबेट होगी जिसमें पंजाब के मुद्दों को लेकर ये बात कही जा सकती है। और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ में टैगोर पैलेस के पैलेस में ये प्रोग्राम बुक किया जा सकता है, वहां पे बुद्धिजीवी लोगों को भी इन्वाइट किया गया है, तो आने वाला ये समय बताएगा कि आगे क्या निकल के आता है। जी, इस डिबेट में किन किन लोगों के होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, कौन कौन शामिल हो सकता है? जी, मुख्य तौर पर अगर बात करें जैसे कि सुखबीर सिंह बादल है, उन्होंने भी इस चीज को कहा गया कि 10 तारीख को हम आपकी कोठी का घेराव करेंगे, तो आप 1 तारीख तो बहुत दूर है, आप 10 तारीख को हमारे साथ डिबेट करिए। लेकिन जो मान सरकार की तरफ से 1 तारीख को फाइनल किया गया उसमें विपक्षी जितने भी दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, अकाली दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी दलों को वहां पे बुलाया गया। और दूसरी तरफ अगर बात करें उन्होंने खुला प्रोग्राम रखा गया, उसमें बुद्धिजीवी लोग भी आएंगे, आम लोग भी आएंगे, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। जी राकेश, अगर बात की जाए कि किन मुद्दों पर जो है वो बातचीत हो सकती है, आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है सीएम को घेरने का प्रयास जो है वो किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पंजाब में मुद्दे चल रहे हैं, गिरफ्तारियों को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, नशे को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, और ऐसे और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी विरोधी पार्टियां हमेशा ही इनके ऊपर तंज कसती आई हैं। तो लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वहां पे बुद्धिजीवी पहुंचेंगे, विपक्षी दल पहुंचेंगे, प्रधान पहुंचेंगे, सब वहां पे पहुंचेंगे, क्या सवाल होंगे। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है मान सरकार ने कि मैं बिल्कुल खाली हाथ पहुंचूंगा, लेकिन आप लोग अपने कागज, अपने लिखती सवाल लेकर आना, ताकि मैं उन सवालों का जवाब आपको बड़े आराम से दूंगा और मैं खाली हाथ पहुंचूंगा। जी जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसमें कि आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सीएम के द्वारा ट्वीट किया गया है 1 नवंबर को हो सकती है डिबेट। तो सूत्रों के हवाले से हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं जिसमें कि डिबेट होने की जानकारी सीएम की ओर से दी गई है। आपको बताते चले कि सीएम भगवंत मान की ओर से 1 नवंबर को डिबेट हो सकती है और जिसमें कि कई अहम मुद्दे जो है वो उठाए जा सकते हैं। टैगोर थिएटर में हो सकती है डिबेट, विपक्षी पार्टी भी रहेंगे मौजूद। सीएम के ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब ये जो 1 नवंबर को डिबेट होने वाली थी इसको लेकर जो है अब पक्की खबर सामने आ रही है, क्योंकि इसको लेकर अब सीएम भगवंत मान की ओर से ट्वीट भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि उनकी ओर से कहा गया है कि विपक्षी जो है वो अपने प्रश्नों को पेपर पर लिखकर आए, मैं खाली हाथ आऊंगा और उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। एक ही मंच पर उन्हीं की ओर से सीएम भगवंत मान की ओर से सभी विपक्षी दलों को एक तरीके से खुला चैलेंज दिया गया है कि आप सभी आइए, आपके मन में जो भी सवाल है आप उन्हें लिखकर लाइए, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि 1 नवंबर को सीएम भगवंत मान की ओर से डिबेट का जो है एक आयोजन तरीके का किया गया है, जो कि एक पूरे तरीके से ओपन होगा जिसमें विपक्षी पार्टीज की ओर से जो भी नेता शामिल होंगे उनकी ओर से कई प्रश्न जो है किए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि आशंका जताई जा रही है कि इसमें विपक्षी दल की ओर से सीएम को नशे को लेकर और जिस तरीके से पंजाब में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको लेकर अहम मुद्दे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 1 नवंबर को डिबेट का जो आयोजन होने वाला है उसको लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी अब पुख्ता कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुनील जाखड़ के बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान की चुनौती स्वीकार कर ली है। आपको बताते चले कि बाजवा की मांग है कि चर्चा विधानसभा के बाहर होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर सभी 4 राजनीतिक दलों के द्वारा सहमत व्यक्तित्व को बहस का न्यायाधीश बनना चाहिए।
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 1 नवंबर बहुत दूर चंडीगढ़ आवास पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहा हूं। 1 नवंबर अभी काफी दूर है और उससे पहले मैं 10 अक्टूबर को आपके घर चंडीगढ़ आ रहा हूं। अगर हिम्मत है तो आप मिलना जरूर। और इसके साथ ही सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुला लीजिए। पंजाब सीएम भगवंत मान की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि भटिंडा से दिल्ली जाने वाले अलायंस एयरलाइंस जो कि हफ्ते में 3 बार उड़ान भरेगी, जिसका एक तरफ का किराया लगभग 1999 रूपये होगा और जिसकी शुरुआत कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने मालवा जोन को भी बधाई दी। तो आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की ओर से एक बड़ी खुशखबरी जो है वो पंजाब वासियों के लिए दी गई है, जिसमें कि एयरलाइंस की शुरुआत की जाएगी और जिसमें कि आपको बता दें कि इसका जो किराया है वो 1999 रूपये होगा और जिसकी जानकारी ट्वीट कर सीएम भगवंत मान की ओर से दी गई है। अलायंस एयरलाइंस को शुरू किया गया है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि यात्रियों के लिए जो है काफी सुविधाजनक प्रयास हो सकता है, जिसमें कि बेहद ही कम समय में आप अधिक दूरी को तय कर सकेंगे। और साथ ही साथ जिसको लेकर आपको बता दें कि लगातार जो है काफी समय से लोगों को इस बात का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, तो किस तरीके से जो है बेहद ही सुविधाजनक होने वाला है आगे यात्रियों के लिए? जैसे इलेक्शनों के दौरान उन्होंने वादा किया था कि रंगले पंजाब की तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी लड़ी के तहत अभी आज सुबह जो एयरलाइंस की सर्विस बठिंडा से दिल्ली शुरू की गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जाएगी, जो यहाँ से आधे घंटे का रास्ता तय करेगी। और उसमें आपको बता दें कि यह जो किराया नहज सिर्फ 1999 रूपये रखा गया है, लेकिन ये हफ्ते में अभी 3 दिन जो है सर्विस चलेगी। लेकिन मान सरकार ने ट्वीट करके जो पंजाब वासियों को और मालवा बेल्ट के लोगों को बधाई दी है और आगे भी जो उन्होंने वादे पूरे किए उनकी भी ये बात की गई है जी। क्या राकेश, अभी जिस तरीके से सिर्फ 3 दिन के लिए सुविधा को रखा गया है, तो क्या आगे इसके जो दिन है वो बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ नहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे ही इसकी मांग बढ़ती है तो आने वाले समय में हो सकता है ये अभी फ्लाइट की जो डेट और बढ़ा दी जाए या डेली कर दी जाए या सुबह शाम की कर दीजिए, वो अभी इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जैसे शुरुआत की गई है तो शुरुआत के तौर पर अभी जैसे पहले लोगों को जाने में दिक्कत आती थी, कोई इमरजेंसी केस होता था या किसी चीज में कोई दिक्कत आती थी तो यहाँ से जाना होता तो बड़ा लंबा सफर बाय रोड उनको तय करना होता था, लेकिन अभी बठिंडा से जो दिल्ली का रास्ता तय किया गया इसमें लोगों को बहुत सुविधा होगी। आने वाले समय में देखेंगे अभी क्या अपडेट होता है जी। अगर राकेश बात की जाए कि अभी जैसे कि आपने जानकारी दी कि इस दूरी को तय करने में मात्र आधा घंटा लगेगा, तो वहीं अगर दूसरे वाहनों की बात की जाए, अगर ट्रेन की बात की जाए, तो दिल्ली से बठिंडा की दूरी जो है कितने घंटे में लगभग तय होती है? जी बिल्कुल, बात कीजिए जैसे अगर बाय रोड की बात करें तो करीब 6 से 7 घंटे का रास्ता तय होता है बठिंडा से दिल्ली का, लेकिन अगर बाय ट्रेन की बात करें तो करीब 4.5-5 घंटे का रास्ता वहां से तय होता है। तो जैसे अगर बाय जाते तो उसमें ये बहुत कम समय में, अगर एक कोई इमरजेंसी केस आता है या किसी ने इमरजेंसी जाना तो हफ्ते में 3 दिन का समय दिया गया तो उसमें ये सबसे बड़ा ऑप्शन पॉइंट है। और किराए की बात करें, किराया भी बहुत कम रखा गया, जैसे कि 1999 रूपये पंजाब सरकार ने इसका किराया तय किया, तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा किराया नहीं है। तो आधे घंटे में, 1.25 घंटे में एक व्यक्ति आराम से, बड़े आराम से पहुंच सकता है। अगर किसी ने इमरजेंसी किसी मीटिंग के लिए जाना या जैसे मान लीजिए किसी ने वहां पे कोई बैठक है या किसी एमएलए ने जाना, तो इन चीजों को भी देखते हुए बड़े सुचारू रूप से देखा जाए तो जैसे कि किसी की फ्लाइट है, इमरजेंसी फ्लाइट होती है, कई
ड्राइवर और वीजा एजेंसी भी एक दिन का समय देती, तो उन चीजों में भी यात्री को बहुत बड़ा एक तोहफा मिल रहा है। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस स्टैंड बनाने को लेकर रोज रोज नए जगहों के चयन से पर्दा उठ गया है। आपको बताते चले कि कई सालों से बार बार बदली जा रही जगह है, कभी डाबवाली रोड, कभी मानसा रोड, तो कभी बरनाला रोड और अब मलोट रोड। वहीं आपको बताते चले कि बठिंडा शहरी के विधायक कह रहे हैं कि मलोट रोड पर नया बस स्टैंड बनेगा। सीएम भगवत मान ने मौके का जायजा लेते हुए कहा कि लोगों की राय के मुताबिक बठिंडा का बस स्टैंड बनेगा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सियासी लोगों, कॉलोनियों मालिकों और भू माफियों ने बस स्टैंड को पास दिखाकर महंगे दामों में प्लॉट बेच दिए हैं और प्लॉट खरीदने वाले अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जिहड़ा कल भगवंत सिंह जी मान ने फैसला लिया गा, बिल्कुल जिहड़ा लोगों के अदारे है ते लोगों लई सहूलतां इह लोगों दी राय दे नाल ही होणियां चाहीदियां, क्योंकि आपां देखदे हां वी कांग्रेस सरकार वेले जिहड़ा पटियाले दा बस स्टैंड है जी उह बदल के पटियाले बाहर शिफ्ट करता जी, उह हजे तक उत्थों जिहड़े कि छोटे मोटे कारोबार दुकानां धंधे वाले सीगे जी विचारे उह हजे तक भटक रहे आ, कोई उहनां नूं न्याय नहीं मिल रिहा जी। बाकी सवारियां दी वी बहुत खज्जल खुआरी हो रही है, जिवें कि जिहड़े उत्थे चुंगी दे जाण वाले हुंदे सी ते दुखनिवारण साहिब जाण वाले हुंदे सी, रजिंद्रा हस्पताल जाण वाले हुंदे सी कि उह सवारां दी खज्जल खुआरी हो रही है। पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी करते हुए सूचना जारी की कि शहीद करतार सिंह सराभा जी के शहीदी दिवस को मुख्य रखते हुए दिनांक 16 नवंबर 2023 को पंजाब में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जिसके चलते राज्य के सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉरपोरेशन व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जो छुट्टी है वो घोषित कर दी गई है। बठिंडा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बठिंडा पहुंची। वहीं आपको बताते चले कि जहां उनकी ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा किए गए ट्वीट पर निशाना साधा गया। हरसिमरत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शब्दों के व्यापारी हैं, अब वह विरोधियों को निमंत्रण कर रहे हैं कि उनके साथ बैठकर डिबेट की जाए। खुद इतना ही बता दीजिए कि बीते दिनों में कि पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक कर पंजाब के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। हरसिमरत कौर ने यह भी कहा कि एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर किंग पिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि शराब नीति की जो पॉलिसी दिल्ली में लागू थी वही पंजाब में भी लागू की गई। भगवंत मान साहब इधर उधर की बातें करने से पहले पंजाबियों को इतना ही बता दें कि 4 तारीख को चंद दिन पहले पंजाबियों के पीठ में, हमारे किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के पीठ में सुरा छोप के सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भगवंत मान साहब ने इतना बड़ा विश्वासघात और धोखा क्यों किया। महानगर जालंधर में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां आग की भीषण घटना में भाजपा नेता समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा झुलसकर मृत्यु हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि दर्दनाक हादसे में भाजपा कार्यकर्ता यशपाल गई और उनके बेटे समेत पत्नी और 3 मासूम बच्चे जिंदा झुलस गए। वहीं आपको बता दें कि यशपाल का अवतार नगर में ही हार्डवेयर का कारोबार था और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की ने दुखद हादसे पर शोक जताया है। इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर से आप सांसद सुनील रिंकू भी परिवार के सदस्यों के साथ दुख साझा करने पहुंचे। जिहड़ा कंप्रैसर है उसनू लीक होने के नाल जिहड़ी अग लग गई है उहदे विच लगभग 4 जीआं दी जिहड़ी मौत हो चुकी है, तो
जो मैंने दसिया बाकी परिवार के उत्ते अज इन तो वही शिदत कही हो सकती है। अज मैं कह सकता भी रब ने भी एक कहर ही किया, रब ने कहर किया जे भी परिवार जरा हसदा खेडता परिवार है अज उजड़ गया, परमात्मा ने कि वो भाने से मंजूर है पर वो भाने को मिठा करके मनना पेगा। बारों अंदर गए पता लग रहा है कि काफी डेथ हुई है, बड़ा अफसोस। पार्टी के पुराने वर्कर ने साडे वापस लीक रहे हैं, बहुत जुड़े ने पार्टी काम ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਝੁਲਸੇ ਆ ਜੀ? ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਝੁਲ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਰਾਇਆ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਝੁਲ ਪਏ। श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुबह पंजाब में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और जो कि हुसैनीवाला बॉर्डर से शुरू होकर पठानकोट तक जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि जिसके चलते जगह जगह पर जैसे जैसे यात्रा अलग अलग पड़ावों पर पहुंच रही है, यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। वहीं कपूरथला में भी पहुंचने पर शौर्य यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिस दौरान अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थानों के नेता विशेष रूप से पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि इस यात्रा को नमन करते हुए उन्होंने बताया कि भारत देश सभी धर्मों का देश है, यहां सभी धर्मों का जो है वो पूजा की जाती है, पर इस यात्रा से राम मंदिर के निर्माण का पवित्र संदेश दिया जा रहा है। यात्रा के मुख्य प्रबंधक विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि यह यात्रा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विश्व हिंदू परिषद की 60वीं जयंती भी मनाई जा रही है। पुछना शहर ने एक अनुसार पैदा करती है, संख्या तुम देख ही रहे हो कि संख्या हो रही है, मेरे बिल कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, और सारे ने एक जुट हो गए, सारे ने समर्थन दिता और बड़ा मन खुश होया। जो भी किसी धर्म का काम होंगे उदो एक झंडे थले जरूर कट्ठे हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई अपील करना चाहते हैं? मैं तो यह चाहना जी कित भी किसी धर्म का काम हो, कोई छेड़छाड़ होए धर्म के नाल, अच्छे अजक गाने गुणे पेटा पुटा लाते गलत काम करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण संदर्भ पूरा पैदा होंगे, जिस अपने बच्चों सिक्ख्यावान मिलती कि आपका धर्म में कदम जुड़ना, अपने धर्म के बाहर नहीं जाना, जिम्मे अच्छा धर्म परिवर्तन हो रहा। सो मैं समझा कि जो मोदी साहब ने साडे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने साडे देश वास्ते किया, जो जरा राम मंदिर बन जा रहा वही हर बंदा बड़ी देर की कामना, बड़ी अच्छी गल है। बहुत पुरानी एक आस्था लोगों की जुड़ी है स्थान के नाम, उतने एक मंदिर बनिया, बड़ी अच्छी गल है। सारे लोग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सब का साझा प्रोग्राम है। ਵਿਰੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਰੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਜਾਗਰਣ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਖਬਰੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਨਮਸਕਾਰ।